सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुखदीप कौर संधु, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब विच बिना प्रीख्यावां तों पास होणगे 5वीं 8वीं ते 10वीं दे विद्यार्थी। बाबा साहेब बी आर अंबेडकर जी का 103वां जन्मदिन मनजीत सिंह दे प्रधान सूबा पंजाब दी प्रधानगी हेठ मनाया गया। सड़क ते गलत पार कीते वाहन लोकां दीआं जिंदगीआं दे लई बण रहे ने काल। अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल वल्लों डॉक्टर अंबेडकर जयंती मौके 2022 दीआं विधानसभा चोणां विच अकाली दल दी सरकार बणन दे दलित चेहरे नूं उप मुख्यमंत्री बणाउण दे ऐलान तों बाद भाजपा ने भी शब्दी हमला कीता। कोरोना दी स्थिति दा सामना करदिआं पुलिस अते मैडिकल स्टाफ द्वारा लुधियाना विच जगह जगह नाके लगा के मुफ्त कोरोना टैसट करवाया जा रहा। रूपनगर विच मनाया डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दा जन्म दिहाड़ा। राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा ने कड्डी मोटरसाइकिल रैली। 10 अप्रैल नूं जमीनी विवाद दे मुद्दे ते पटियाला दे बहादुरगढ़ खेतर विच आपसी झगड़े दौरान फायरिंग दे मामले ते दोवां पार्टियां ते केस दर्ज। रवनीत बिट्टू ने घेरी कैप्टन सरकार। साबका जंगलात मंत्री ते कांग्रेसी पार्टी दे उग्गे लीडर हंसराज जौसन बुधवार नूं अपने जद्दी पिंड बंदीवाला विखे कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल। संविधान दे निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे जन्म दिन दे मौके ते नकोदर चौंक विच लगी बाबा साहिब दी मूर्ति उपन अपनी श्रद्धा दे इजहार करन पुज्जे अकाली दल ते भाजपा दे मैंबरां नूं दलित संगठनां दा सामना करना पिया। आम आदमी पार्टी दे सूबा प्रधान भगवंत सिंह मान ने कहा है कि अकाली दल वांग कैप्टन सरकार भी बरगाड़ी कांड दी जांच ठंडे बस्ते पाउणा चाहुंदी है। सिंघू बॉर्डर ते किसानां दे टेंट नूं लगी अग। हुण खबरां विस्थार नाल। कोरोना वायरस के वध रहे केसों के मद्देनज़र पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि 5वीं 8वीं ते 10वीं जमात के विद्यार्थियों नूं बिना प्रीख्यावां तों पास करके अगलिया जमातों में प्रमोट कर दिता जाएगा। पंजाब राज प्रीख्यावां बोर्ड वालों लई जांदी 12वीं जमात की प्रीख्या जो कि पहला ही मुलतवी की जा चुकी है बारे फैसला अगे कोरोना संबंधी हालात नूं ध्यान में रख के लिया जाएगा। सरकारी बयान अनुसार ये फैसले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की प्रधानगी हेठ कोविड 19 की समीक्षा संबंधी हुई मीटिंग में ले गए। ये फैसला केंद्र सरकार वालों CBSE दियां 10वीं जमात दियां प्रीख्यावां रद्द किए जाने 12वीं जमात दियां प्रीख्यावां मुलतवी किए जाने संबंधी ऐलान किए जाने तो एक दिन बाद लिया गया है। 5वीं जमात के 5 विचों 4 पेपर पहला ही हो चुके हैं। इन्हां 4 पेपरों के हासिल किए गए अंकों के आधार पर ही विद्यार्थियों का नतीजा ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिक्ख्या विभाग को निर्देश दिए हैं कि 8वीं ते 10वीं जमात के नतीजे संबंध स्कूलों वालों लिया गई प्री बोर्ड प्रीख्यावां जां किए गए अंदरूनी मुलांकन के आधार पर ही ऐलान किया जाएगा। मीटिंग विच मैडिकल सिक्ख्या मंत्री OP सोनी, सिक्ख्या मंत्री विजय इंद्र सिंगला, मुख्य सकत्तर विनी महाजन ते DGP दिनकर गुप्ता भी हाजिर सन। बाबा साहेब बी आर अंबेडकर का 103वां जन्मदिन मनजीत सिंह के प्रधान सूबा पंजाब की प्रधानगी हेठ मनाया गया। इस मौके डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी दियां दलित समाज नूं बराबर चुकण लई उन्हां दियां कालनामां नूं याद करदिआं तरन तारण जिला प्रधान हरप्रीत सिंह ने कहा है कि भारती खिते विच सदियां तों पछड़ी जातिगत धुंद नूं चीरन वाले महान दार्शनिक समाज सुधारक लेखक ते क्रांतिकारी युग पुरश डॉक्टर बी आर अंबेडकर दा जन्म दिवस है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब दी घालणा अगे सिर झुकदा है जिसने गुलाम देश विच बहुत ही सीमित साधना दे हुंदिआं गुलाम मानसिकता वाले लोगों नूं समाज चेतना दी जाग लाई सी। अज तों 100 साल पहला इंग्लैंड विच पढ़ाई करके वधिया करियर चुण लैण अते उत्थे ही अपने आप नूं सैटल कर लैणा उस दे लई कोई औखा नहीं सी। अज भगवान वाल्मीकि शक्ति संगठन वालों तरन तारण तो जिहड़ा शहर दे विच बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का 103वां जन्म दिहाड़ा जिहड़ा वा मनाया जा रहा। नौजवानों विच भारी उत्साह वा, काफ़ी गिनती विच इकट्ठे होए ने और सारियां नूं करोना काल दे चलदिआं ये सख्त हदायत कीती आ, समझाया कि डिसिपलिन च रहना, सोशल डिस्टेंस बनाउणा, अपना मास्क पा के रखना, इन्हां सारियां हदायतां की पालना करते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक जिहड़ा ये बाजार दे विच एक मुख्य बाजार दे विच एक मार्च कढ़िया जा रहा। उस तों बाद असीं बोड़ी चौंक विखे शरदा दे फुल भेंट करांगे बाबा साहब नूं। रूपनगर दे विच लोकां वल्लों लापरवाही दे नाल सड़कां ते खड़े किए जा रहे वाहन लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। सड़कां ते लापरवाही नाल खड़े किए जा रहे वाहनों के कारण जिथे आवाजाई विच विघन पै रहा है उत्थे ही इस नाल होण वाले हादसों विच लोकां दीआं कीमती जानां जा रही ने। भावें कि सड़कां दे उत्ते वाहन खड़े करन नूं लै के ट्रैफिक नियमों के तहत सख्त कार्रवाई के नियम बनाए गए हैं परंतु लोग इन्हां नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आम देखे जा सकते हैं। तस्वीरां रूपनगर
ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 205 ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕਾ ਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੂਗੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਲਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਿਓ। ਸਰ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਧਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਅਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 2007 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2007 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਣਾ ਰਾਮ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 38% ਆਬਾਦੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ 2016 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 17 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਫੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੱਲੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ CHO ਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 149 ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ 3 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਨੇਜ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੈਲੋ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ
दुनिया के महान चिंतक समाज सुधारक डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी नूं याद करन लई श्रद्धा अर्पण करन लई रोपड़ दे विच सरदार शमशेर सिंह राय एक्स MLA सरदार भाग सिंह जी इन्हां दी लीडरशिप थले बहुत वड्डा स्वागत किया गया। मैं अज दे मुबारक मौके ते डॉक्टर साहब नूं भरपूर श्रद्धा दे फुल भेट करदा है और ये गल कहनी चाहुंदा है कि अज देश ते समाज नूं जिहड़ियां दरपेश मुश्किलां हैं जिस भंबड़ भूसे च असीं फसे हैं उहदा जवाब उहदे चों निकलण दा रस्ता केवल ते केवल डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच है। जिला भर में वख-वख समाजिक जथेबंदियों वालों भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का 130वां जन्म दिवस बहुत श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा इंडिया वालों चेयरमैन कुलदीप सोहते की अगुवाई में त्रिमूर्ति मंदिर माधोपुर तो फतेहगढ़ साहब तक मोटरसाइकिल चेतना मार्च कढ़िया गया जिसनों आल इंडिया इलाहाबाद बैंक इंपलॉयज यूनियन के डिप्टी जनरल सकत्तर नरेश वैद ने झंडी दे के रवाना किया जबकि श्रोमणी अकाली दल के हलका फतेहगढ़ साहब तो मुख सेवादार सबका विधायक दीदार सिंह भट्टी मुख मेहमान वजो शामिल हुए सन। इस मौके बुलारे ने बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के जीवन से चानना पाते हुए कहा है कि बाबा साहेब बहुत ही उच्च शख्सियत के मालिक सन। वाल्मीकि सभा वालों एक विशेष प्रोग्राम उलीकिया गया डॉक्टर साहेब डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब उन्होंने भी जयंती में समर्पित मैं अज के मुबारक मौके पर समुचे देशवासियों लख लख मुबारकबाद दिना। राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा के प्रधान साहब सरदार कुलदीप सिंह सोहता उन्होंने बहुत बड़े यतन किए एक विशेष मार्च कढ़िया गया जिहदा मनोरथ साढ़े शहर वासियों नूं साढ़े देश वासियों नूं यह मीडिया राही और होर साधना राही उन्हां दी सोच दे नाल जोड़ना है। तां बहुत अच्छा कार्य मैं सारे हाजर सज्जनां दा और सारे प्रबंधक वीरां दा प्रेस दा नौजवानों का बहुत धन्यवाद करता कि उन्होंने। मैं कुलदीप सिंह सोहता चेयरमैन राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा अज जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का राष्ट्रीय वाल्मीकि सभा वालों जयंती दिवस मनाया गया और माधोपुर मंदिर तो लेके डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की जी बुत लगी हुई है DC कंपलैक्स के सामने उत्ते शरदा के फुल भेट किए जिस मुख मेहमान साढ़े दीदार सिंह भट्टी श्री हलका फतेहगढ़ साहब तो सबका MLA शामिल होए ने। सो अज जो साडा उद्देश यह है भी जो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी ने संविधान जिहड़ा लिखिया वो दलित समाज के लिए एक रोशन चिराग है। पिछले 10 अप्रैल नूं जमीनी विवाद के मुद्दे से पटियाला के बहादुरगढ़ खेत्र में आपसी झगड़े दौरान फायरिंग के मामले में दोवों पार्टियां केस दर्ज किए गए सन। दोवों पार्टियां के लोग हस्पताल में दाखिल हुए फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सदर इंचार्ज करमजीत सिंह ने मामले बारे वधेरे जानकारी देते हुए दसिया कि इंद्रजीत सिंह मेघराज नाम के दो भरावां विचकार जमीनी विवाद चल रहा है। इंद्रजीत की मौत तो बाद जमीनी केस की वकालत इंद्रजीत पुत्र हरविंदर सिंह कर रहे हैं। 10 अप्रैल की रात को हरविंदर विवादग्रस्त जमीन पर पहुंच गया जिथे संदीप कुमार उसकी भैन होर रिश्तेदार भी मौजूद सन। उत्थे ही हरविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंस शुदा पिस्तौल नाल गोलियां चला दित्तियां जिस नाल संदीप उसकी भैन जख्मी हो गए। दूजे पास संदीप सिंह ने परविंदर सिंह ते भी हमला किया जिस नाल उसके सिर नूं सट लगी है। सदर इंचार्ज करमजीत सिंह ने दस्सिया कि फिलहाल दोवें धिरां हस्पताल विच दाखल ने उन्हां खिलाफ वख-वख धाराएं तहत केस दर्ज कर दिता गया। छोड़ दो भाई इन्हां छोड़ किन्ना छोड़ो की नाम जी थोड़ा? मेरा नाम बख्शीश सिंह बारू कड़िया करंदे हो बहादुरगढ़ कस्बा दी कोई की गल होई दस्सो जी तुसीं घरेलू झगड़ा हो कड़ी जगह भाई जी कस्बा दी बहादुरगढ़ जी घरेलू झगड़ा की होई रजिंदा आए तुसीं जगह पिछे लड़ाई होई। अच्छा की वजह किहदी की लड़ाई होई है? इह संदीप की गोली लगी हरविंदर ने मारी है अपना जमीन संबंधी जगह संबंधी इन्हों का झगड़ा चलता सी। इंद्रजीत सिंह की डैथ हो गई सी ते इन्हों का जगह संबंधी कोर्ट में केस चलता सी
जिसे हम कोर्ट केस की कार्रवाई इंद्रजीत सिंह का लड़का हरविंदर सिंह पैरवी करता है। बीती 10 तरीक न रात करीब 8:30-9 बजे ये मतलब जिहड़ा हरविंदर सिंह है ये वो जगह पर गया सी जिथे संदीप सिंह पुत्र मेघराज और हरविंदर सिंह आपस में झगड़ा हो गया तो उत्थे होर भी इन्हां दे परिवारक मैंबर आ गए सी। हरविंदर सिंह ने अपने लसेंसी रिवॉल्वर संदीप सिंह से फायर करता जिस नाल संदीप कुमार उसकी भैन दे मतलब गोली लगी जिस करके वो दाह हो गए सट्टा लगन करके। लुधियाना तो संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नसीहत दिंदिया कहा कि पंजाब दे वख-वख मुद्दियां नूं हल करन लई ओह जरूर कुछ सोचन क्योंकि हुण तां चोणां च सिर्फ 6 महीनियां दा समां रह गया है। तो रवनीत बिट्टू ने अकाली दल ते निशाना विनदियां कैप्टन नूं अपील की है कि अकाली दल दीआं गलतियां कारण सानूं क्यों लोकां कोलों सुनना पै रिहा। उन्होंने कहा कि अकाली दल दीआं बसां शरेआम चल रही ने किसी कोई रूट नहीं है। उन्होंने कहा कि नशियां दे मामलों च भी अकाली दल फसया होया है ते लोग सवाल पुछदे हन कि अजे तक बाहर क्यों नहीं आना ते इन्हां हालातों के कई बार लोगों जवाब देना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पहला ही किसानों का मुद्दा चल रहा है। रवनीत तो बिट्टू ने कहा है कि अकाली दल के कारकुन रोजाना पिंड जाके रैलियां करते हैं वक्-वक् ऐलान करते हैं लोग उन्होंने तो अके पे ने पर बड़ी आस नाल कांग्रेस सरकार वाल देख रहे हैं उन्होंने इंसाफ किया जाए। मैं 2-3 गल्लां है जिहड़ियां बहुत अहम क्योंकि पिछले दिनों मैं समझदा हर ही पंजाबी दे जां जिहड़ा भी दुनिया दे विच भी किते बैठा है खास तौर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मन्नण वाला ते हर अलग अलग गल्लां है जिहड़ियां उह टीवी राही उह मीडिया राही प्रिंट मीडिया राही बहुत गल्लां है जिहड़ियां मूहरे आ रही। मैं पहलां तां साफ ये कर देना चाहुंदा भी असी सारे साढ़े लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी साढ़े मुख्यमंत्री असी उन्होंने नाल खड़े हाँ तो अगे भी ये चाहते हैं परमात्मा भी 2022 च भी उन्होंने साड़ी सरकार आवे तो वह मुख्यमंत्री हो। मैं ये कोई भी किसी तरीके कोई गलत फहमी नहीं तो ये उन्होंने सत्कार तो माण जिहड़ा उन्होंने हमेशा सानू दिता। साबका जंगलात मंत्री ते कांग्रेस पार्टी दे उग्गे लीडर हंसराज जोसन बुधवार नूं अपने जद्दी पिंड बंदीवाला विखे कांग्रेस पार्टी नूं छड्ड के श्रोमणी अकाली दल विच शामिल हो गए ने। हंसराज जोसन नूं श्रोमणी अकाली दल दे सुप्रधान सुखबीर सिंह बादल ने सिरोपा पेके पार्टी विच शामिल किया। इस मौके हंसराज जोसन के नाल कांग्रेस किसान सैल के आगू हरजिंदर सिंह विरक पुष्पिंदर जोसन साबका प्रधान यूथ कांग्रेस के सूबा जनरल सकत्तर रोजी जोसन ब्लाक समिति मैंबर चंद्रशेखर सरपंच बंदी ते होर परिवारक मैंबर भी कांग्रेस पार्टी नूं अलविदा कह के अकाली दल च शामिल हो गए ने। इस मौके सुखबीर सिंह बादल ने हंसराज जोसन नूं पार्टी का जनरल सकत्तर ऐलान ते कहा है कि भविख विच होण वालियां विधानसभा चोणां च उतारे जाण दी वी गल कही है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीम राव अंबेडकर के जन्मदिन मौके से नकोदर चौंक में लगी बाबा साहेब की मूर्ति उत्ते अपनी श्रद्धा का इजहार करन पुजे भाजपा के अकाली लीडर दलित संगठनों के विरोध का सामना करना पाया। जिला भाजपा प्रधान सुशील शर्मा और सबका कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया नील कुमार सचरम महिला प्रधान मीनू शर्मा समेत कई भाजपा आगू खिलाफ दलित संगठनों ने नारेबाजी की है। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल भी जदों नकोदर चौंक पुजे तो दलित संगठनों ने उन्होंने खिलाफ भी नारेबाजी की। दोवें पार्टियां दे वड्डे आगुआं दे पुज्जण ते भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिते गए अते पुलिस दी सुरक्षा हेठ दोवां पार्टियां दे वड्डे नेता उत्थों ही चले गए। दलित संगठनों ने विरोध का कारण दसदे होए कहा कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वालों बनाए संविधान विच फेर बदल करके उसका स्वरूप बदलन की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल उपर भी इस मामले में भाजपा का साथ देने की गल कही है। आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत सिंह मान ने कहा है कि अकाली दल वांग कैप्टन सरकार भी बरगाड़ी कांड की जांच ठंडे बस्ते पाना चाहती है। मान ने कहा है कि अकाली सरकार ने बरगाड़ी कांड संबंधी जोरा सिंह की रिपोर्ट नूं कूड़ेदान विच सुट्टी रखा है जिस तों बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब की सहुं चुकी सी कि एक हफ्ते के अंदर बरगाड़ी कांड के दोषियों को जेल अंदर सुट दिता जाएगा। उन्होंने जस्टिस रणजीत सिंह की अगुवाई हेठ कमीशन बिठाया जस्टिस रणजीत सिंह रिपोर्ट विधानसभा च पेश की गई। आई
जी कुंवर विजय प्रताप की अगवाई हेठ एस आई टी का गठन होया, जिन्होंने मेहनत करके जोखम नाल सारे कागजी सबूत इकट्ठे किए। इतों तक कि मामले दे विच शामिल पुलिस वालों की भी शनाख्त की गई है, नौ चलान भी पेश किए गए, अचानक 3 साल की उन्होंने की कराई खूह खाते पा दी गई है। पटियाले का मेन स्ट्रीम मीडिया जिदे विच इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट ते सोशल मीडिया दे वक वक मंच शामिल ने, तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद है कि तुसी बहुत छोटे जे सद्दे ते शॉर्ट नोटिस ते अज इत्थे पहुँचे हो। एक दो गंभीर विषयां ते गल करनी है तुहाडे जरिए, वो जिहड़ियां गल्लां ने वो आम लोगों तक पहुँचनिया चाहिए ने, साडा फर्ज भी बनता है। 2015 दे विच जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई बरगाड़ी दे विच, बड़ा वड्डा मोर्चा लग्या, फिर उत्थे गोलियां चलाईयां गईयां, अथरू गैस दे ते वाटर कैनन दे इस्तेमाल होए, उहदे विच दो शहीदियां भी होईयां, जख्मी भी होए बहुत, ते जांच दी गल उठी। खैर 2015 तो 2017 तक की जांच जिहदी मंग कर सकदे सी, क्योंकि जिन्हां दे नां दोषियां च आउंदे है उही सरकार दे विच सीगे, इस करके उन्होंने जस्टिस जोरा सिंह दी जिहड़ी रिपोर्ट सी उहनूं कूड़ेदान च सुट्टता, मतलब उस रिपोर्ट नूं रिसीव करना भी वाजिब नहीं समझिया। सिंगोवाड ते कुछ शरारती अंसरां वल्लों किसानां दे टेंट नूं अग लगा दित्ती गई है, जिस नाल टेंट च पिया सारा समान सड़ के सुआह हो गया। घटना सिंगोवाड ते रसोई ढाबे कोल दसी जा रही है। मौके ते मौजूद किसानां ने दस्सिया कि तड़के कुछ लोगों वल्लों इस घटना नूं अंजाम दिता गया, शरारती अंसर मौके तो फरार हो गए ने। टेंट अंदर कोई भी मौजूदा ना होण करके जानी नुकसान तो बचा रहा है, पर अंदर पिया सारा समान सड़ के सुआह हो गया। किसानां ने दस्सिया कि पहलां भी कुछ लोगों वल्लों अजिहियां हरकतां कीतियां गईआं ने, प्रशासन नूं वार वार कहने के बावजूद भी अजे लोगों से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मौके किसानों वालों भारी मुश्किल नाल अग पर काबू पाया गया। ये सन अज दी खास खबरां, देश विदेश दी होर खबरां दे वास्ते तुसी साडे यूट्यूब चैनल पंजाब मिल USA TV नू सबसक्राइब करो। धन्यवाद।